सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी कई साल से अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच कर रहा है। ये बात केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराई है। उसका कहना है कि मंत्रालय की तरफ से दो साल पहले जो बात संसद में कही गई थी उस पर वो आज भी कायम है। वित्त मंत्रालय ने जवाब कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक ट्वीट पर दिया है, जिसमें रमेश ने कहा था कि सेबी सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि वो 2016 से अडानी ग्रुप की किसी कंपनी की जांच नहीं कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने संसद में कहा था कि सेबी अडानी की कुछ कंपनियों की जांच कर रही है। सरकार ने संसद में क्या बताया था? 19 जुलाई 2021 की बात है। संसद में विपक्ष ने अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच को लेकर सरकार से सवाल पूछा था। इस सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि सेबी अपने नियमों के अनुपालन को लेकर अडानी ग्रुप की कई कंपनियों की जांच कर रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI भी अडानी ग्रुप की कई कंपनियों की जांच कर रहा है। हालांकि पंकज ने इन कंपनियों का नाम नहीं बताया था। इस दौरान उन्होंने इस बात से इनकार किया था कि अडानी ग्रुप के कंपनियों में FPI के निवेश के बारे में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED भी कोई जांच कर रहा है। चौधरी का कहना था ED शेयरों की दिन प्रतिदिन की ट्रेडिंग के मामले में अडानी ग्रुप में हिस्सेदारी रखने वाले FPI की किसी तरह की जांच नहीं कर रहा। अब सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला है? सोमवार 15 मई को अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने एक बड़ी जानकारी दी। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अडानी ग्रुप की किसी भी लिस्टेड कंपनी की जांच 2016 से सेबी नहीं कर रही है। ऐसी जांच को लेकर किए जा रहे सभी दावे गलत हैं। इंडिया टुडे से जुड़े संजय शर्मा की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने कोर्ट में दिए गए अपने एक हलफनामे में बताया कि 51 कंपनियों की जांच साल 2016 से अब तक की गई है। ये जांच इन लिस्टेड कंपनियों द्वारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट यानी कि GDR जारी करने से संबंधित है, लेकिन इन 51 कंपनियों में एक भी अडानी समूह की लिस्टेड कंपनी नहीं है। मतलब अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी के खिलाफ जाँच लंबित या पूरी होने की बात आधारहीन है। सेबी ने हलफनामे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद शुरू हुई अडानी ग्रुप की जांच को लेकर भी जानकारी दी है। एजेंसी ने बताया कि क्यों उसे जांच के लिए 6 महीने का और समय चाहिए। एजेंसी के मुताबिक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जिन 12 संदिग्ध ट्रांजैक्शंस का जिक्र किया गया है वो काफ़ी जटिल हैं। ये लेन देन दुनिया के कई देशों में स्थित फर्म से जुड़े हैं। सेबी का ये भी कहना है कि इन सभी 12 लेन देन से जुड़े आंकड़ों की जांच और नतीजों की पड़ताल करने में अभी काफ़ी समय लगेगा और इसीलिए उसे जांच के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय चाहिए। सेबी के मुताबिक निवेशकों की सिक्योरिटी और मार्केट के साथ न्याय करने के लिए ये समय मिलना बेहद ज़रूरी है। वहीं न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेबी ने कोर्ट को हलफनामे में ये भी बताया कि उसने 11 विदेशी रेगुलेटर्स से संबंध में जानकारी के लिए संपर्क किया है और उनसे पूछा है कि क्या अडानी समूह ने अपने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध शेयरों के संबंध में किसी भी मानदंड का उल्लंघन किया है। हालांकि 12 मई को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सेबी के 6 महीने का समय मांगने पर कहा था कि इतना ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 16 मई को होगी। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी अभय। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।